ठीक है ओके। चलो बच्चों देखो इधर, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद है आप लोगों को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी से आप प्रोसीड कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। जरा देखिएगा गौर से आप लोग, अब कोई फालतू बात नहीं होगी, अब सीधे पढ़ाई की बात होगी, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कल कि एटम्स कैसे पहचानते हैं, बताया था, एक बार यहां बता दूं आपको एटम्स के बारे में, नए बच्चे जो आए हैं, एटम्स कैसे पहचानते हैं। मैंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट हो और उसके आगे यहां पे कोई नंबर लिखा हो एम, 1 2 3 4 5 6, दैट इज वर एटम, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए बेटा, यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर, नेम ऑफ एक्स यानी एलिमेंट का नाम, और बदले में क्या लिखना है, एटम। कल ये मैंने बता दिया था, फॉर एग्जाम्पल नए बच्चे जो आ जाए वो देख लें, अगर मैं 4 Cu लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या पढ़िएगा इसको, बोलो ना, ऐसे ही पढ़ना है ना, पहले नंबर बोलना है, फिर नेम ऑफ एलिमेंट बोलना है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो दैट इज कॉल एटम। तो इसको बोलेंगे 4 copper एटम, ओके सर, ये बात यही ओवर करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, यहां ध्यान दीजिए, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल आप कैसे समझोगे वो समझना है, देखते चलिए बेटा। एलिमेंटल मॉलिक्यूल को ही कहा जाता है हिंदी में तात्विक अणु, समझ में आ गया, तत्व का मतलब एक जैसा और अणु, क्लियर है नहीं क्लियर है। कल वो लड़का नहीं आया तो बोल रहा था सर हिंदी में पढ़ाइए, कहाँ कपड़ा चेंज करके आओ क्या, इसलिए पता नहीं चल रहा। अब आपको समझ में आ रही है, इधर देखो बेटा, इधर बता देना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंटल मॉलिक्यूल, याद आ रहा है आप लोगों को मैंने मॉलिक्यूल के लिए क्या कहा, आप पैर नीचे करो बेटे, हाँ मॉलिक्यूल के लिए क्या कहा, भूल गए, बहुत बढ़िया, एक दिन में खत्म किया। अरे मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन बताया था, तुम बताओ, नहीं मॉलिक्यूल के लिए, हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, केमिकली बॉन्डेड है, दूसरा एक से मोर देन वन एटम हो, एक से ज्यादा एटम हो, बोलो बेटा, देखो यार ये सब गलती मत किया, केमिकल बॉन्ड, अगर ये बात भूलोगे तुम लोग तो फिर मजा खराब, फिर तो पढ़ाने का कोई मजा नहीं है, आप भूलेंगे नहीं प्लीज, समझ में आ गई बात। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल में बताया गया कि मोर, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर काइंड, क्या होता है बोलो, सिमिलर काइंड। अब मॉलिक्यूल का मतलब बेटा दो बात, कि वो मोर देन वन एटम हो, मोर देन वन एटम हो बोलो, और केमिकली बॉन्डेड। इसका सिंबल क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ते चलो अच्छे से, संकेत इसका क्या है, कैसे आप समझ जाएंगे कि सर हमारे बात कर रहे हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल के बारे में। आप बेटा आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ यहाँ, और कल से आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैडम सही कह रही थी कि बॉयज एक साइड गर्ल्स एक साइड, ठीक है ना बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे सिंबल की बात अगर हम आपसे कर ले तो मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, एलिमेंट का मतलब एक जैसा होता है, तो हम यहाँ एक जैसा एलिमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे एन लिख देते हैं और यहाँ पे एम लिख देते हैं। गौर से समझना बच्चों, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स, आगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, एम की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, यस। और ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे सीखेंगे आप, तो वेरी सिंपल, इधर देखो मेरी तरफ, इसको बोलोगे सबसे पहले क्या बोलोगे, नंबर, उसके बाद क्या बोलोगे, नेम ऑफ एक्स, क्या बोलोगे बोलो बेटा, नेम ऑफ एक्स, और एम के बदले में आपको क्या बोलना है, ओनली ओनली एक ही शब्द यूज करना है आप, मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे इसके नीचे जब कुछ नहीं था, तो एटम, समझ बात नहीं आ सकता। तो यहां पर आप पढ़ेंगे क्या, ये तो पढ़ने का तरीका हो गया, मैं एग्जांपल देखो आप यहाँ मेरे हाथ की तरफ देखना सभी लोग, मैंने लिखा 3s8, आप में से कौन बच्चा इसे पढ़ेगा, पढ़ो 3 sulfur, इसके बदले में आप कंफ्यूज मत होइए कि यार 8 है तो क्या बोलो, यार 2 है तो क्या बोलो, 3 है तो क्या बोलो, 4 है तो क्या बोलो, कुछ नहीं बोलू, समझ में आ रहा है,
एक ही वर्ड क्या बोलना है, मॉलिक्यूल। तो ये हो गया तुम्हारा थ्री बोलो, यस सल्फर, बहुत अच्छा बेटा, थ्री सल्फर मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा आपको, अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूंगा, आप में से कौन लड़का बताएगा कि इसमें कितने सल्फर के टोटल एटम होंगे? हमको एटम में बदलना है ना, जीरो नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, पहले तो 6.02 फालतू में नहीं बोलना है, वो तो जब मैं मोल लिखा था तब बोल रहे थे, या मोल है क्या? तो बेटा जगे रहो तुम, ठीक है, समझ में आ गया? मोल तो है नहीं ना, अना दर्जन है, तो कहां से आ गया 6.02? आ गया समझ? हाँ, अगर हम कभी तुम कुछ बेच रहे हो, हम दिख जाए तो हम बोलेंगे कि हमको तीन केला दो, तो तुम हमें तुम देना तीन दर्जन केला, ठीक है बेटा? बिना पूछे बिना लिखे नहीं बोलना है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आप सुनिए, सभी लोग बोलेंगे, एक दो केले को नहीं पढ़ा। थ्री सल्फर मॉलिक्यूल में मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सल्फर एटम, कितने तीन सल्फर के अणु में या मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के एटम होंगे? यार जैसे ही मैं एटम लूंगा, एटम का रूल क्या होता है कि नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, बोलो। तो अब अगर हम ऐसे लिख दें तो ये थ्री के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आठ। अब ये क्या एटम हुआ कि नहीं ये बताओ, हमने इस मॉलिक्यूल को एटम के फॉर्म में बदला कि नहीं बदला, बोलो ना यार। बदल दिया तो यार कितना नंबर होगा बच्चों, 24। कंसेप्ट क्लियर है सबका? अब चलिए मैं थोड़ी सी बात आगे कर ले आपसे। एक मोल बराबर होता है 1 एवोगैड्रो नंबर, आप सबको मालूम है? नहीं मालूम है ना, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। 6.023 × 10^2 कितना होता है यहाँ पे, 23। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग? सुनिएगा हमारी बात, ये एक मोल का मतलब होता है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 3 mol S8, ध्यान से सीखो तभी न्यूमेरिकल बना पाओगे। छोटी छोटी बातें सीखनी है और कुछ नहीं करना है, अपने आप केमिस्ट्री सीख जाओगे। पहले बीच में मोल नहीं था तो क्या लिख रहे थे आप? अब मोल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 mol सल्फर मॉलिक्यूल, ये होगा ना? अरे और क्या होगा, यही तो होगा, तो लिखो ना 3। अभी तुम लोग का नाम क्या है? तुम लोग का नाम है मिस्टर एक्स, बोलो। अच्छा, आप डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर एक्स, इंजीनियर बन जाओगे तो, अब पॉकेटमार बनोगे तो रख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो 3 क्या होगा बोलो बेटा, अरे बोलो ना, 3 moles ऑफ क्या लिखो बेटा, सल्फर मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा, हमारी बात को सुनिएगा प्लीज, आप ये मत सोचिए कि आज ही पूरी केमिस्ट्री सीख लेंगे, बाढ़ में जाने की नहीं सीखना पूरी केमिस्ट्री, सॉरी आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं सीखना है आपको, लेकिन जितना सीखना है ना वो ढंग से सीखना है, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सीखोगे अपने आप पूरा सीख जाओगे। तो दूसरी बात, सल्फर, 3 sulfur मॉलिक्यूल में, लैंग्वेज पे ध्यान देना, 3 sulfur मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के टोटल मॉलिक्यूल उपस्थित हैं? टोटल मॉलिक्यूल कितने हुए? 0 नंबर, तो मोल का कोई काम नहीं है। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने आपसे क्या पूछा, क्या 3 mol सल्फर मॉलिक्यूल है, 3 दर्जन, एक मिनट, रिलैक्स, 3 दर्जन केले में कितने केले? अरे बोलो ना यार, मैंने पूछा 3 दर्जन केले में कितने केले, तो तुमने दर्जन को क्या किया, 12 माना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो ना। मैं क्या पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि 3 mol सल्फर मॉलिक्यूल में, 3 mol, मोल बीच में आया कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा तुम लोग, 3 mol सल्फर मॉलिक्यूल में। अब हमारा क्वेश्चन है कि कितने मोल मॉलिक्यूल होंगे ये पूछ रहा हूं, या कितने मोल कितने सल्फर मॉलिक्यूल होंगे ये पूछ रहा हूं, मैं ओनली कितने पूछ रहा हूं ना कि कितने मोल पूछ रहा हूं, बोलो ना। नहीं आया समझ में यार, मैं पूछ रहा हूं कि 3 mol सल्फर मॉलिक्यूल में, यही सिखाना है मुझे, यही चाबी है मोल कंसेप्ट का, कि 3 mol
सल्फर मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मतलब मोल गायब हो जाएगा, अब मोल के जगह क्या आएगा, बस सर जी थ्री एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर। ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो बच्चों, क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला रूप, इसी को तो सीखने के लिए हम लोग आए कोचिंग, और थोड़ी आए, किताब में तो सब कुछ लिखा है। बोलो अगला सवाल है कि तीन मोल सल्फर मॉलिक्यूल में कितने मोल्स ऑफ सल्फर एटम, अब मोल रहेगा लेकिन अब एटम बनाना है मॉलिक्यूल को, अब बताओ 24 एन ए नहीं, फिर मोल आएगा ना यार, पहले फिर एन ए बोल रहा है, क्या बोलोगे, फिर से सुनो आराम आराम। तीन मोल सल्फर मॉलिक्यूल में क्या बोला, कितने मोल्स ऑफ सल्फर एटम क्या बोला कि हटा दिया मैंने, मैंने पूछा कितने मोल्स ऑफ सल्फर एटम, मैंने ये थोड़ी पूछा कितने सल्फर एटम, बोलो। अरे नहीं आया समझ में, क्या कहा, सुन रहे हो हमारी बात, हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग बात को समझते नहीं है ना सुनते हैं टीचर की बात। तो मेरा क्वेश्चन है कि तीन मोल सल्फर मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के एटम होंगे, बोलो। तो हम क्या करेंगे, कितने मोल सल्फर के एटम होंगे, तो आठ को तीन से क्या करो, तो 24 मोल्स ऑफ सल्फर एटम, बोलो ना यार। अब सवाल बदल गया, अब तीसरा सवाल सुनो, इधर देखो उनके तरफ मत देखो, अपना काम कर रही है मैम, आप पीछे बैठ जाओ, अपना सब साजदास के साथ जाइए, बैठ जाओ। देखो बेटे यहां पे क्या हो रहा है, तीन मोल सल्फर मॉलिक्यूल में, ध्यान से हमारी बात सुन रहे आप लोग, तीन मोल सल्फर मॉलिक्यूल में कितने टोटल सल्फर के एटम होंगे, अब सवाल बदल गया, कितने सल्फर के, एक तो एटम तो पहले से पता चल गया था, अब मोल हट जाएगा, बोलो ना, मैंने पूछा कितने मोल पूछा है या कितने सल्फर पूछा है, मैंने कितने सल्फर पूछा है ना, तो मोल हटेगा कि नहीं हटेगा भाई मेरे, नहीं आया समझ में यार, 100 के नोट में कितने 10 के नोट होंगे, तो क्या जवाब दोगे, आया नहीं आया सवाल का जवाब, 100 के नोट में कितने 50 के नोट होंगे, तो यही चल रहा है ना, अरे यही सिखा रहा हूं ना मैं तुम लोगों को, एटम को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को एटम में, अगर दर्जन लग जाए तो क्या होगा, अगर मोल्स लग जाए तो क्या होगा, बोलो, कम टू द पॉइंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर जी 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर, क्या बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर, आगे बढ़ाएगा, अभी तो क्लास चल रही है, क्लास में कैसे चेक करेंगे कैमरा, अभी रहने दीजिए, हाँ आगे देखो, ठीक है बेटा, गौर से देखो, आप समझ में आ रही है बात की, दरवाजा बंद कर दो, तुम आ जाओ क्लास के लिए, अंदर आओ जल्दी, बंद करो दरवाजा, हाँ क्लियर है बच्चों, अब इतने जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बताओ, अब क्लास तेजी से आगे बढ़ेगी। आप सभी ने नंबर तो लिख लिया है ना बेटा, तो जैसे ही आप उसको फीड कर लेंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, है ना, तो आप लोग देख लेना उसको, मैं डाल देना स्टेटस पे, देख लेना, और उसके बाद एक दो दिन के बाद तो ये ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे यूट्यूब पे भी आ रहा था, अभी उधर यूट्यूब पे आ रहा था ना, वहां से भी आप लोग कर सकते हो।
डन बच्चों? आज एक क्लास का मैसेज था या दो? एक ही का एडजस्ट हो जाएगा, दो दिन में टेंशन में और बच्चे आ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चों? बोलो नहीं ना, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग? फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी डी 12 मोल पी 12 मोल पी 2 12 मोल पी 4 12 मोल पी 3 बताइए। सी पक्का? बहुत बढ़िया। इसको क्या कहा जाता है बेटा? कहा क्वेश्चन है कि 12 मोल ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल को सही तरीके से किसमें से इनमें से किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात सुन लो, थोड़ा सा इसको बोला जाता है परमाणविकता, एटमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटमिसिटी का मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितने परमाणु या एटम है, दैट इज नोन एज एटमिसिटी, दैट इज परमाणविकता। राइट? आ रहा समझ? एक मॉलिक्यूल के अंदर वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। सल्फर के केस में बेटा 8 होता है इसलिए उसे एसिड लिखते हैं, फास्फोरस के केस में ये 4 होता है इसलिए इसे P4 लिखते हैं। बोलो नहीं आ समझ में यार? और ओजोन के केस में 3 होता है, बोलो ओजोन के केस में, बोलो ना। वैसे आप इनर्ट गैस जितना लोगे, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, आरएन और एक नया आजकल आ गया है ऑर्गेनोसोन, इसमें 1 ही होगा। क्या होगा बोलो? Am I right or wrong? बाकी सब डायटेमिक होगी। जैसे CO2 में पूछूं तो क्या बताओगे? CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे? NH3 में? बहुत बढ़िया। H3PO4 में बच्चों? 4 के साथ 1, 8। कंसेप्ट समझ में आ गया सब? चलो बहुत बढ़िया, मिटा दूं ना सारा? वेरी गुड, सीखते चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज, वो ध्यान से समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में बच्चों? 2 हिस्सों में मॉलिक्यूल को। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मॉलिक्यूल को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था मॉलिक्यूल के लिए कौन कौन सी बात होती है? 2 बात कौन सी होगी जल्दी बोलो? मोर देन 1 एटम का मतलब 1 से ज्यादा एटम, और दूसरा बस ये रट लो ना, तुम लोग बार बार बोलना नहीं पड़े मुझे, ठीक है ना। फौरन नाम लेते ही मुझसे निकलना चाहिए कि मैंने कल पढ़ाया था आपको। अब ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में बंटते हैं बेटा, ध्यान से देखियो। ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में बंटेंगे, एक मॉलिक्यूल जो गौर से सुनना है, जो नॉन मेटल और नॉन मेटल, दो अलग अलग नॉन मेटल या 2 से ज्यादा नॉन मेटल के बने हों, एक तो वो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट। बताओ कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? बोलो बोलो यार। और उस कोवैलेंट में भी 2 बात, मान लो ये x है और ये क्या है y है, तो अगर x और y दोनों बराबर हो जाए
तब तो वो हो जाएगा एलिमेंटल मॉलिक्यूल, याद आया? अरे दोनों सेम हो जाए बोलो ना, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक्स और वाई सेम नहीं हो तब क्या होगा डियर? दे आर नॉट सिमिलर, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? कंपाउंड मॉलिक्यूल। नहीं आ समझ में यार, कंपाउंड मॉलिक्यूल का इसका एग्जांपल क्या होगा सर जी? H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा सर जी? H2 हो सकता है, HCl हो सकता है, CH4 हो सकता है, एंड सो ऑन, बट होगा नॉन मैटर। क्या होगा बोलो? आया दूसरा सवाल। अब आता है यहां पर एक मेटल होगा, क्या होगा बच्चों? और दूसरा नॉन मेटल। मेटल हमेशा कन्वर्ट हो जाता है केटायन में, किसमें? केटायन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। बताऊंगा अभी सारी बात, साथ साथ नहीं लिखो बेटा। नॉन मेटल किसमें बदल जाएगा? और एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। केटायन और एनायन के बीच दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो ना। यस सर। बोलो यार। आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं? ये तो पढ़े होगे ना तुम लोग, आयनिक बंधन। बोलो। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो कूलम्बिक फोर्स के चलते ये बनेगा, इसलिए इसका नाम हो गया आयनिक कंपाउंड। क्या नाम हो गया बोलो? या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, देखोगे ध्यान से, कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल, ए CuSO4, बी FeOH whole twice, C6H12O6, D, देख रहे हैं क्या आप लोग? बताइए आंसर। C और D दोनों और लोग पीछे आ भाई आओ। C एंड D का? ये कौन आ रहा है बीच में? कौन आ रहा है जी? इधर आ, लेट क्यों कर रहे हो? आओ आओ जल्दी आओ। कैसे लेट हो गए तुम? बैठ जाइए, ठीक है बेटा, ध्यान दो इधर। आप लोग क्या बोल रहे हो? सी एन डी एन डी, मैंने अभी क्या कहा था? यहाँ क्या लिखा है बेटा? कोवेलेंट यानी नॉन मेटल। नहीं आ समझ? अरे कोवेलेंट मतलब नॉन मेटल का एरिया है ना, बोलो ना। कोवेलेंट यानी नॉन मेटल, क्लियर हो गया। और कंपाउंड का मतलब डिफरेंट, और मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो? केमिकली बॉन्डेड मोर देन वन एटम, मोर देन वन तो सब में है, केमिकली बॉन्डेड सब भी है, बोलो। बट ये एक जैसा है, ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल जब बनाया जाता है तो सीखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव से कई गुना टफ होता है, समझ में आ रहा है? सही उत्तर देने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ऐसे काटा जाता है सवाल। इसके अंदर क्या चीज है? केटायन और एनायन। चलो हमें अभी मालूम नहीं है, वो अलग बात है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, क्लियर है? तो मेटल नॉन मेटल तो आयनिक कंपाउंड हो गया ना बेटा, और यहाँ भी मेटल और नॉन मेटल है तो ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया ना बेटा। ये चार्ज कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, चिंता मत करो, सब सीख जाओगे अभी दो मिनट के अंदर। अभी सब सिखाना, तो बस आज ही सीखना है उस चीज को। यहाँ पे क्या है बेटा? ऑल आर नॉन मेटल, बोलो। कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, राइट? और सारे के सारे डिफरेंट है, बोलो। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड मॉलिक्यूल। और ये क्या है? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। हमसे पूछा क्या गया था? कंपाउंड मॉलिक्यूल। बात समझ में आती? नहीं आ समझ में यार, दूसरी बात सुन लो। ये ओवर हो गया, लिखेंगे आप लोग इसको, फोटो खींचेंगे, मतलब YouTube पे आ जाएगा, कहाँ से लिख ले, नहीं तो फिर तो मिल ही जाएगा, हम लोग घर जाके लिख लेना, या उतार लो जल्दी से फटाफट, एक दो एग्जाम उतार लो। तेजी से
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो ये आप देखेंगे, ये आपका टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूं आयनिक कंपाउंड के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिटा रहा हूं ना, आप एक चीज देखे तो छोटी सी चीज ये देख लीजिए, अक्सर आना चाहिए हम सभी लोगों को। मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, अभी अभी आपने ये पढ़ा था एन एक्स और एम, एम की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, और वन एन की इस एम की वैल्यू थी, और एन की वैल्यू 1, 2, 3 से शुरू होगा। बोलो, यहां मैंने 1 नहीं लिखा है, आप समझ रहे हैं क्या है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, ये था हमारा फॉर्मूला एलिमेंटल मॉलिक्यूल का, किसका, अब इसको हम बदल रहे हैं एटम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में। तो क्या करना चाहिए मुझे, एम को एन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और ये बन जाता है क्या चीज, एटम। क्या बन जाता है बच्चों, एटम बन जाता है। इसीलिए तो हम लिखते हैं ऐसे, अगर आपके पास 2O3 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6O में, ये M हो गया और ये N हो गया, देख रहे हो क्या आप लोग, ये M हो गया और ये क्या हो गया, M की वैल्यू देखो तो 2, 3 है कि नहीं है, बोलो, और ये 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है ना, तो ये मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, और ये एटम बन गया। तो एटम मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए क्या करना होगा, दिस, और एटम को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए केमिकल बॉन्ड कराना होगा, क्या कराना होगा बोलो, नहीं आया समझ में, हाँ ये याद रखना। तो ये मेनली हम लोग को सीखना है इस चैप्टर के अंदर, और आगे हम बाकी बात करेंगे आपसे। करें यहाँ पे अगर मैं 1.5 लिख दिया P4, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 6P, यस ये हो जाएगा हमारा 6P। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, तो बस एक छोटी सी बात ही मुझे बतानी थी इसको, आप इसे जल्दी से लिखिए। अब नई चीज बताऊंगा जो बहुत इफेक्टिव है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बता दें। करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। मास मेजर कर रहा है ना, डन बच्चों, अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आयनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड,
कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड के बनाने का क्या तरीका है, आयनिक कंपाउंड के बनाने का क्या तरीका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए। और आयनिक कंपाउंड में लास्ट में आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट इज दिस बताओ, मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखो बोर्ड पर, सभी लोग देखना, एक कैटायन होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हो, 1+, 2+, 3+, उसका मतलब नहीं है। मान लिया उसको H+, क्या मान लिया बोलो, और एक राइट साइड जो होता है वो एनायन होता है, क्या होता है बेटा, दैट इज Y-। याद रहे बच्चों कि जब हम आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर 2+ होगा, 3+ होगा, 4+ होगा, मुझे तो नहीं मालूम सर। और जब तक ये मालूम नहीं होगा हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, राइट, हमारी बात समझ रहे आप लोग। इसका लिस्ट होता है, वही लिस्ट हम लोग को याद रखना होता है, उस लिस्ट में सब मैक्सिमम आपको याद है, बस मुझे उसको थोड़ा अरेंज कर देना है, समझ गया, फिर आप अपने आप लिखने लगोगे। जब फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तो बहुत सारा सवाल आसान हो जाता है। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैंची घोड़ा, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिखने के लिए इसके ऊपर जो आवेश है, चार्ज है, वो इसके नीचे आ जाएगा और इसका जो है इधर आ जाएगा। और आप गौर से देखिए, मैंने प्लस वाले को लेफ्ट साइड लिखा है और माइनस वाले को, और एक बात और समझा दूं, ये प्लस मिलता किससे है, ये मिलेगा मेटल से, किससे मिलेगा बेटा, और ये माइनस किससे मिलेगा, ये मिलेगा नॉन मेटल से, पक्का, ये ध्यान देना आपने अधातु से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा CYAX, क्या हो जाएगा बोलो, और इसी को कहते हैं आयनिक कंपाउंड, क्या कहते हैं, एक बात और आप यहां आ जाइए, एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज Na+ एंड दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एक्चुअली इसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्ट, एक तरह का कंपाउंड है। सॉल्ट उसे कहा जाता है जो एसिड और बेस के मिलने से बना, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, लेकिन एसिड बेस में तो सर एसिड में H+ होता है और बेस में OH- होता है, आपने तो यहाँ लिखा ही नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखते हैं। ऑलवेज सॉल्ट के केस में कैटायन कम्स ऑन द लेफ्ट साइड और एनायन कम्स ऑन द राइट साइड। मैं चार्ज के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, पहले हम इसमें से इनको अलग निकाल लेते हैं, ये हमारा Na+ आ गया और ये हमारा बेटा Cl+, दिस इज कॉल्ड कैटायन, क्या कहलाता है, और जितने कैटायन है बेटा उन्हें हम एक नाम और देते हैं, याद जान लीजिए आप, बेसिक रेडिकल, क्या बताऊंगा क्यों, और जितने एनायन है ये Cl- ये एनायन है बेटा, इन्हें हम एसिड रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, एसिड रेडिकल, तो समझ में आ रहा है क्या, एक बेसिक रेडिकल है दूसरा, ऐसा क्यों, कंसेप्ट सुनिए आप, पूरे केमिस्ट्री की दुनिया में H+ के अलावा और OH- के अलावा अगर कोई भी प्लस आता है तो उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, और OH- के अलावा कोई भी माइनस आता है उसे हम एसिड रेडिकल कहेंगे, कंसेप्ट समझ में आया। सो वापस हमें इस कैटायन के अंदर OH- ऐड करना है, रुक जाइए प्लीज, और इसके अंदर वापस H+ ऐड करना है, सर ऐसा क्यों, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आपने इसका नाम क्या रखा है, तो बेसिक रेडिकल उसको कहेंगे जो बेस से प्राप्त हुआ, किससे, और एसिड रेडिकल उसको बोलेंगे जो एसिड से मिला हो, नहीं आया समझ में यार, तो जो कैटायन था वो बेस से मिला है, तो बेस क्या चीज देता है, बेस क्या देता है, OH- बोलो ना, और एसिड क्या चीज देता है, समझ आ गया, इसका मतलब इस OH को यहां आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा,
यही वजह है कि ये बेस से प्राप्त होता है कैटायन, इसीलिए इसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। बात समझ में सर? अगर ऐसी बात है तब तो हम किसी भी कैटायन में OH- जोड़ के बेस बना सकते हैं। यस, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, यही तो करना है आप लोग को। कोई भी कैटायन दिया हो एक्सेप्ट H+, उसमें आप क्या जोड़ दो OH-, तो वो आपको क्या बता देगा कि बेस कौन सा होगा। समझ में आ गया? नहीं यार समझ में यार, तो बेस को कैसे पहचानोगे बताओ, जल्दी बताओ, क्या करोगे बेस बताने के लिए? किस में जोड़ोगे? कैटायन के अंदर। वेरी गुड। अब यहां आप जोड़ोगे तो ये क्या मिल जाएगा? और HCl क्या हो गया? माइनस के प्लस, इसे क्या बोलोगे तुम? इसीलिए एनायन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं आ समझ? और वापस से जब ये एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? और बदले में क्या देता है? वाटर। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये सब पढ़ लेना होता है ताकि आप न्यूमेरिकल्स में फंसे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा आप लोग साइन कर चुके हो क्या? ओके बेटा, देखो आप दो चीज सीखो, आयंस या रेडिकल किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आयंस या रेडिकल्स। एटम इधर बच्चा, इधर बोर्ड पर सामने देखो, बाद में लिखना। एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोला मैंने? एटम या हैविंग चार्ज ओवर एक, एक एटम हो या बहुत सारे एटम का झुंड हो और उसके ऊपर प्लस एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, या माइनस एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो। समझ में आ रहा है? तो चार्ज और सिंबल या फॉर्मूला पूरा एक साथ मिला के उसको क्या कहा जाता है? आयन। क्या कहते हैं?
तो मैं पहले डेफिनेशन पे आता हूं, उसी का दूसरा नाम क्या है, रेडिकल। आपके चेहरे अलग अलग क्यों है, हमारे आपके चेहरे क्यों अलग अलग है, कोई बताएगा मुझे? अरे फायदा क्या अलग अलग है तो, चलो जींस ही अलग है तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, हम फायदे की बात कर रहे हैं, तुम रीजन बता रहे हो चेहरा। हाँ ये बात है, बात सीधे फायदे की क्या करो, चेहरे अलग इसलिए होते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सके, डिटेक्ट कर सके, पहचान सके, और क्या, बोलो ना यार, नहीं आ समझ में। तो चेहरे से आपको पहचाना गया, आपका चेहरा आपका आपकी पहचान है, वो समझ में आ रहा है? थोड़ा और अंदर जाइएगा, ज्यादा डिटेल लेवल पे तो ये बता रहे हैं कि जीन से पता करेंगे कि चेहरा आखिर क्यों डिफरेंट हुआ, तो हम क्यों के पर नहीं जाते, हम थोड़ा सा काम चलाते हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, तुम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। रेडिकल्स का अर्थ होता है, आयंस का अर्थ होता है कि किसी पर्टिकुलर को पहचानना, समझ में आ गया, उसकी गुण उसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं बदल सकती, चाहे वो सुबह से शाम हो जाए, चाहे जमीन से ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे से ऊपर नहीं कहूंगा क्योंकि वापस कोई आता नहीं है, इसलिए अलग कंट्री में चले जाओ, कहीं चले जाओ, भाई मेरे चेहरे बदल सकते हैं? नहीं सर, चेहरे कहां से बदल जाएंगे, चेहरे नहीं बदलते हैं, समझ में आ गई बात, इसीलिए हम पहचाने जाते हैं, समझ में आ गया। ठीक वैसे ही एग्जैक्टली केमिस्ट्री के अंदर आयंस और रेडिकल्स किसी केमिकल सब्सटेंस के चेहरे होते हैं, समझ में आ गया। तभी तो हम लोग जानते हो होली के मौके पर मिठाइयां बनती है ना, बोलो yes, उसमें घोटाला होता है, सुना होगा मावा मिला दिया, जहर बन गया, इतना लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, बोलो ना yes, इन्हीं बिहेवियर के वजह से उसको पता कर लेते हैं, समझ में आ गया कि कौन सा खाद्य पदार्थ है और कौन सा दूषित पदार्थ है, कौन सा अच्छा चीज है, कौन सा जहर है, इन्हीं चीजों से। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं मालूम हो तो फायदा क्या पढ़ने से। तो चलिए हमने रफ आइडिया आपको दे दिया कि आयंस और रेडिकल्स एक ऐसी चीज होती है जिससे हम उस केमिकल सब्सटेंस को पहचान सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस की पहचान होती है, समझ में आ गई बात, उसकी अपनी कैरेक्टर होती है, जैसे हमारा चेहरा होता है। रीजन क्या है, रीजन ये आपने बताया कि सर जैसे चेहरा मेरा इसलिए अलग होता है कि जीन अलग होता है, तो उसका भी रीजन होता है कि सोडियम के ऊपर एन ए प्लस एक क्यों आया, मैग्नीशियम पे दो क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, वो हेरा फेरी करता है, इसलिए होता है, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? आया तो सुनो बेटा, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सी आर केस, ये आइटम है एक और इसके ऊपर प्लस या माइनस अनेक, बोलो ना, इसको केवल कहा जाता है जो प्लस माइनस है, प्लीज सी एवरीबॉडी, दिस इज कॉल्ड बच्चों चार्ज, क्या कहलाता है, नहीं आया समझ में आया, और इसे केवल बोला जाता है, सिर्फ ये जो लिखा है मैंने, ओनली एक आइटम है, This is called symbol, not formula. क्या है बोलो, संकेत है, बोलो ना, ये एटम के फॉर्म में है, और आपका एक्स है, नीचे टू है, ये वाई है, और अब अगर इसके ऊपर प्लस या माइनस मैं लिख दूं तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, बोलो ना, तो ये कहलाता है केमिस्ट्री के दुनिया में फॉर्मूला, क्या कहलाता है, फॉर्मूला, समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आराम से सीख लो, सारी छोटी छोटी चीजें सीख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल बॉन्डिंग तक थोड़ा स्लो रफ्तार चलेगी, उसके बाद राजधानी, क्यों, क्योंकि तुम हमारी बात समझने लगोगे, फिर इस लायक हो जाओगे कि हम कितना तेज चलेंगे, यस बोलोगे तो। व्हाट इज दिस, अरे क्या है यार, तो चार्ज और फॉर्मूला मिला करके, चार्ज और फॉर्मूला मिला करके, चार्ज और सिंबल मिलाकर के क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड आयन या रेडिकल, समझ में आया, नहीं आया समझ में आया, और यही आयन रेडिकल आगे चल करके दो हिस्सों में बंटता है, जिसमें यदि केवल प्लस चार्ज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केटायन, समझ में आया, और जिसपे केवल माइनस चार्ज हो उसे क्या कहेंगे, एनायन, बोलो ना यार। अब और आगे बढ़ते हैं, अगर ये हमारा एन ए प्लस है तो एक एटम का केटायन, और अगर ये एन एच फोर प्लस है, अगर ये एच थ्री ओ प्लस है, तो एक से ज्यादा एटम का केटायन हमारे,
नहीं आया समझ में यार, पक्का। और अगर एक एटम के ऊपर माइनस है तो एक एटम पे एनायन, और अगर ये CO3 के ऊपर 2 माइनस है तो एक से ज्यादा एटम पे एनायन। समझ में आया क्या? हम ये भी बताएंगे कि सर जी आपने यहाँ एक प्लस लिखा है, आपने यहाँ भी लिखा, कैसे लिख दिया ये, कैसे लिख दिया आपने? कैसे वाली बात, कुछ और बड़ा होने पे समझोगे, आई मीन केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ पर? अगर अभी समझाना शुरू करूंगा तो कल से कोई नहीं आएगा पढ़ने। हमारी बात समझ में आ गई? हम तो सिर्फ ये पहचानना चाह रहे हैं कि देखो ये प्लस है, कैसे प्लस है ये नहीं पता। मैं इतना कह रहा हूँ कि देख यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, बस खेल खत्म। यहाँ माइनस लिखा है, खेल खत्म। मैं ये बता ही नहीं रहा हूँ कि माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा, नाम क्या होगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, छोटी सी बात, क्या इन हर आयन की प्रॉपर्टी फिक्स्ड होगी या बदलती रहेगी? प्रॉपर्टी फिक्स्ड होगी ना, बोलो ना। अरे यार देखो इधर, इधर देखो, तुमने लिखा, अभी तुमने लिखा Na प्लस Cl के साथ तो सोडियम क्लोराइड था, और इसी सोडियम का बैठा दिया फ्लोरीन के साथ तो सोडियम ही रहा या कुछ और बदल गया? तो अपनी प्रॉपर्टी बदला क्या वो? तो उसको दुनिया में कहीं फेंक दोगे उसको पता कर लेंगे ना हम। और सुनो, रुक जा रे, रुकना रे, कितना मजा आता होगा जब आप लैब में होंगे, हम आपको दो सैंपल लाके देंगे, सुनिएगा कितना मजा आएगा पढ़ने में। और हम बोले कि बेटा आज हम इसमें से सोडियम पता करते हैं, राइट? लेकिन मालूम नहीं है तुमको, लेकिन सोडियम को पता करने का 4-5 स्टेप होता है जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाएगा। बोलो, तो जब वो जैसे ही तुम 4-5 काम करोगे, एक काम उसमें मौजूद रहेगा, खट से बताएगा ये सोडियम है, तो कितना मजा आएगा, सर ये इसमें सोडियम है। सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल, कैसे एनालाइज किया जाता है, यू कैन गिव द आंसर। और सुनिए, मार्केट में पीएच पेपर मिलता है, देखो जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं बनोगे तुम्हारे बुद्धि का विकास नहीं होगा, तुम्हारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पीएच पेपर ला करके जितने खाने पीने की चीजें हैं उनको टेस्ट कर सकते हो। आटा घोलो, टेस्ट करो, पानी लाओ, टेस्ट करो, नींबू निचोड़ो, टेस्ट करो, आलू निचोड़ो उसका जूस टेस्ट करो, बैगन लो उसका जूस निकालो, टेस्ट करो, हर फ्रूट का तुम टेस्ट करके पीएच लिख सकते हो अपने आप। कितना मजा आ रहा होगा उस वक्त, कोई पेड़ का पत्ता तोड़ा, निचोड़ा और उसका चेक किया कि एसिडिक है कि बेसिक है। नहीं आया समझ में यार? सीधे डिप करते ही पता चल जाएगा टेस्ट। तो ऐसा काम करना है, आपके इर्द गिर्द है चीजों को करना है, तो जब ऐसे चलेगा मामला तब मजा आएगा, ठीक है ना? तो अब तक केमिस्ट्री से डर तो नहीं लग रहा है? छापो इसको फिर आगे बताओ। दो मिनट क्लास डिस्टर्ब करना। एक गूगल फॉर्म डाला है तुमने, उसको कृपया भर दीजिएगा। किसी कोई सवाल तो नहीं उसमें? बताइए सर, जो लिख दीजिए कि स्टडी के नाम है और कुछ। स्कूल कोड तो स्कूल से पूछ लीजिएगा, अगर बता पाए ठीक है, नहीं बता पाए तो परेशान मत, ठीक है। एक उसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, देर से मिलता है, तो नहीं हो तो लिख दीजिएगा नॉट अवेलेबल, ठीक है। और कोई बात? रेगुलर क्लास करिए, कल 11:30 से मैथ्स की क्लास होगी, 11:30 से एक मैथ्स की क्लास है, 1 से 2:30 होगी, बायोलॉजी की क्लास है 17 से होगी, 17:30 से, ठीक है। कल हो सकता है फिजिक्स की क्लास लगे 2:30 बजे के बाद, वो हम बताते, लेकिन मैथ्स की क्लास फाइनल होगी, कोई दिक्कत? आप लोग जो मैथ्स वाले हैं 11:30 पे आ जाएंगे, 11:30 से 1 और 1 से 2:30, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि बायोलॉजी की भी 11:30 से हो जाए, ताकि एक जहाँ एक दूसरा रूम और वहाँ बैठ के हम लोग सारी क्लासेस एक साथ करें। बायोलॉजी के टीचर्स 17 से उपलब्ध हो रहे हैं, फिजिक्स के कल हो सकते हैं, तो फिजिक्स अगर हो जाएंगे तो कल बता, ठीक है। थैंक यू। अपने अपने दिनों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया?
फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डन। जरा लिखो तो एक चीज बोल रहा हूं, आयंस और रेडिकल्स के बारे में लिखो एक लाइन। आयंस एंड रेडिकल्स के बारे में लिखो, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ओवर इट, हैविंग चार्ज ओवर इट एंड retain their properties and retain their properties and क्या बेटा retain their properties called बहुत बेटा, तो बेटा बोलो लिखो types of iron, जल्दी करो types of iron, types of iron, पहला cation, पहला क्या लिखोगे cation, और cation के बारे में ऐसे लिखना cations के बारे में आप ऐसे लिखेंगे, cation किसको कहते हैं बेटा देखिएगा, व्हेन, अब रीजन बता रहा हूं, व्हेन ऐसे ही देखो सीधा सीधे, अगर कोई एलिमेंट है इसमें से इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 2 3 4 राइट, तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा वो एन और प्लस। अच्छे एक काम की बात सुनिए आप लोग, इसको आप कैसे लिखते हो, अगर हम लिखना चाहें तो माइनस टू सही है या एक्स टू माइनस सही है, कौन सही है पक्का, इसका मतलब वन बाई अगर ओ टू लिखा हो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बोलना, और ऐसे लिखना क्या है गलत, समझना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, काम की बात बता रहा हूं कि चार्ज जब लिखा जाता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो कहीं कहीं पे लोग प्लस 3 लिखते हैं और कहीं कहीं पे लोग 3+ लिखते हैं, समझ गए, कहीं कहीं पे लोग -2 लिखते हैं और कहीं कहीं पे 2- लिखते हैं, तुम ही मुझे समझा दो कौन सही होगा कौन गलत होगा, ये सही है कि ये सही है, माइनस कैसे आ जाएगा चार्ज के लिए, चार्ज के लिए पहले माइनस कैसे आ जाएगा, ये चार्ज थोड़ी सा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तब माइनस में बदला है क्या, कि नीचे से ऊपर लेगा तब बदला है, बोलो ना, तो फिर मैं क्या समझा रहा हूं उस वक्त से, आगे समझ में, तो चार्ज हमेशा नंबर के बाद लिखना है, चार्ज कभी भी नंबर से पहले नहीं लिखना है, लेकिन मैक्सिमम किताबों में ऐसा लिखा गया लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं लिखा गया, तो आप बताओ चार्ज नंबर से पहले आता है या बाद में आएगा, चार्ज आगे समझे, पावर की बात हुई तो दूसरी बात हो जाएगी, ठीक है बेटे, तो एक चीज सीख गए आप लोग, तो हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे ये सही है ये गलत है, यहाँ पर ये सही है ये गलत है, समझाया, क्यों सर, क्योंकि अगर 1/(x-3) होगा ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में ना, तो अब आप बताइए यहाँ पे चार्ज कितना आया, एन प्लस, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, मेरे हाथ की तरफ देखिए आप सभी लोग, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, n के ऊपर प्लस और ये n इलेक्ट्रॉन, क्या ये बात सही है दोनों, दिस इज नोन एज कैटायन, क्या कहलाता है बोलो, इसी को हम लोग कैटायन कहते हैं,
समझा जी? नहीं आया समझ? ये तो कैटायन से क्या, कैटायन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ देखिए, आपको हर वो चीज बता देंगे जो आप दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं। आप आकर के बहुत अच्छा किए हैं कि शुरू की क्लास आप अटेंड कर रहे हो, मजा आ जाएगा आपको। आप देखिएगा आपके केमिस्ट्री में नंबर, आप कोई भी एग्जाम दे, सबसे ज्यादा आपको केमिस्ट्री में ही नंबर होगा। उसका रीजन है मैं बता रहा हूँ, अभी ऑर्गेनिक का स्टार्ट करूँगा कुछ ही दिन के बाद, पहले ये पढ़ा लो, ठीक है ना बेटा? यहाँ बढ़ो आगे, यहाँ ध्यान देता हूँ। आप इसे क्या कहते हो और आप इसे क्या कहते हो और आप इसे क्या कहोगे, आप इसे क्या कहोगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सुनिए, आप इसे क्या कहोगे? तो मोस्टली इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन, तो है ऑलरेडी, ये सारे के सारे आयन है, ठीक है ना? हर चार्ज स्पेसिस को आयनी कहा जाता है। तो अगर मैं कहूं बाजार में जाके कि यार मेरे को सेब फल देना, तो हंसेगा कि नहीं मेरे ऊपर? क्या सेब सब्जी थोड़ी है? तो फल को फल बोलने की जरूरत, तो आयन को आयन बोलने की जरूरत। आगे समझ में? इसका केवल एक ही नाम है, सोडियम। खेल खत्म। तब तुम बोलोगे अच्छा सर आपने Na प्लस को तो सोडियम कह दिया, तो फिर आप बताइए सर आप Na को फिर क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। बताओ कौन बोलेगा इसका सही नाम? हाँ अभी भी गलत है। और बोलो क्या बोलोगे? सोडियम एटम। अभी और गलत है, एग्जैक्ट बोलो। हाँ वन कौन बोला? कौन? करेक्ट, वन सोडियम एटम। पूरा पूरा बोलो ना, बोलो यार, आगे वन है ना बेटा, बोलो। देखो केमिस्ट्री पढ़ ले, उर्दू कितने लोग पढ़े इसमें से, या जानते थोड़ा बहुत उर्दू? हाथ उठा तो। अच्छा इतने लोग उर्दू जानते हैं, क्या बात है, इसको आप पढ़ सकते हो। खुदा, वेरी गुड। खे है ना, खे दाल अली, बोलो। और एक मिनट, ये गलती से एक लड़के ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, क्या बन गया? खुदा से जुदा हो गया। समझ में आया कुछ? तो यही फर्क होता है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो काम खराब हो जाएगा। फंडा समझ आया बेटा? तो सोडियम का एक आइटम, दिस इज सोडियम, दिस इज कॉल्ड वन सोडियम आइटम। और अब एक नई बात, एलिमेंट दोनों सेम है, चार्ज दोनों का अलग अलग है, बोलो। तो बेटे इसको बोला जाता है अस, और इसको बोला जाता है एक फेरस एंड फेरिक। अभी समझाऊंगा, अभी मजा आने वाला है, रुक जाओ दो मिनट प्लीज, अभी घबरा मत तुम लोग। सर दो ही प्लस क्यों आया? सर तीन ही प्लस क्यों आया? आप जो क्वेश्चन मुझसे नहीं करोगे ना, हम वो भी करेंगे आपसे, आप चिंता मत करो, सब बात क्लियर हो जाएगी। सर एक बात बताइए, सोडियम पे तो आपने दो प्लस और तीन प्लस नहीं लिखा था, लेकिन लोहे पे लिख दिया आपने, क्यों? ऐसा क्यों किया सर आपने? तो ये भी एक सवाल है ना। अरे है कि नहीं सवाल? सवाल नहीं है ये? है सर, बिल्कुल है। तो ये सारी बात होगी आगे, सब सिखाऊंगा मैं आपको। अब एक दिन तो सब कुछ नहीं सिखा सकते ना, तो वन बाय वन सारी बात होगी, मजा आएगा। अभी रुक जाओ, सीएल माइनस को कौन लड़का पड़ेगा? एनीबडी? बिल्कुल राइट, यू डोंट से क्लोराइड आयन, क्या हुआ ये? और इसको कौन पड़ेगा जी? क्या बोलिए? क्या पढ़ेंगे? वन क्लोरीन एटम या मॉलिक्यूल? मैं डांटूंगा तो भी एटम ही रहेगा या मॉलिक्यूल हो जाएगा? अट मॉलिक्यूल है, तब क्या बोलोगे? नहीं सर एटम ही है। अरे बोलो ना, नहीं आया समझ में यार? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाओ, जो पढ़ो वो ढंग से पढ़ो, है ना? हमारी पढ़ाई हुई चीज में अगर आप सही सही बोल रहे हैं और कोई गलत काटता है तो मुझे उसी वक्त कॉल कीजिएगा, राइट? उस पर होगा केस, वो केस मैं लड़ूंगा अपने खर्चा से, समझ में आ रहा है? और उसकी डिग्री तो मैं खाऊंगा ही बढ़िया से, ठीक है बेटा? तो तैयार रहना इस बार। यहाँ तक कोई दिक्कत आप? नो ना? तो बेटा ये काम आपने सीखा, ये आयन हो गया। अभी अगली बात सुनिए, अभी आपसे ही कहवा रहा हूं मैं, आपने केटायन का नाम देखा अस और ई, बोलिए, और सोडियम के लास्ट में लिखा रहता है ईएम, बोलो ना? सोडियम एटम नहीं, अगर खाली सोडियम है तो लास्ट में ईएम आएगा, बोलो। तो सुन लो हमारी बात बेटा,
कि टाइम को पहचानने का सुपर डुपर ट्रिक, या तो उसके नाम के लास्ट में यम होगा, जैसे अमोनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोनियम, बोलो कार्बोनियम, बोलो ना ऑक्सोनियम, सेलेनियम, बोलो यार, या अस होगा या एक होगा। तो आ गया नहीं आया समझ में? तो केवल अगर नाम मैं लिख दूं तब भी आप बता सकते हो कि सर ये कैटायन होगा कि एनायन होगा, बोलो। और जैसे ही कैटायन एनायन पता चले वो कौन सा रेडिकल होगा, एसिड या बेसिक? अरे अभी बता ना, ऑल कैटायन सर बेसिक रेडिकल, बोला नहीं बोला बेटा? तो एक तो ये तरीका हो गया कैटायन को कैसे आप याद रखेंगे, एंड ऑल कैटायन सर बिल्कुल कैटायन सर बेसिक रेडिकल, बोलो ना, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। यहां तक आप जैसे किसी को कोई आपत्ति है क्या? अच्छा एक बात और बताओ, अगर एक प्लस चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे मोनोवेलेंट, क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट। अगर दो होगा तो, अगर तीन होगा तो, अगर चार होगा तो पॉलीवेलेंट, क्या बोलेंगे बोलो? पॉलीवेलेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो याद हो गया सबको, बहुत बढ़िया, नोट करो। डन बच्चों? Yes, बहुत बढ़िया बेटा। अब आप लिखें अपने कॉपी में एनायंस, ठीक है? एनायंस, एक मिनट, एनायन काट दो, काट दिया? Yes, बोर्ड पे देखो, कैटायन के ऊपर आपने दो तरह का प्लस चार्ज देखा था, देखा था? एक पे प्लस टू और एक पे प्लस थ्री था। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस टू प्लस थ्री ही हो, प्लस थ्री वाले को बोला जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस टू वाले को बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो ना। तो जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, उसके नाम के लास्ट में एक जोड़ा जाता है, और जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके नाम के लास्ट में अस जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? ये बात केवल और केवल वैलिड है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, राइट? हमारी बात समझ में आया? या अर्थात शॉर्ट में मेटल के केस में, किसके केस में? नॉन मेटल में ये शब्द इस्तेमाल बोर्ड से। सपोज हमारे पास ये एक मेटल एलिमेंट है एटम की अवस्था में, फिलहाल ये शर्त है कि ये एटॉमिक फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसमें कोई चार्ज होता है क्या? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली, किसने कहा था? थॉमसन चचा ने क्या कहा था? अरे थॉमसन चचा ने क्या कहा था? थॉमसन चचा ने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा? किसके अंदर? एटम के अंदर। इसलिए एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मालूम है ना?
जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं, राइट। अब इसमें से बाय द वे किसी बच्चे ने कहा कि सर जी मैं इसमें से सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं सर, मैं बोले बिल्कुल बेटा निकालिए, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, सर मैं इसमें से भी दो या तीन निकाल दूं, बिल्कुल निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से सवाल कर रहा हूं मैं, इसमें आयन ये है या नीचे वाला है, आयन में कौन सा आयन है, कैटायन, कैटायन में भी एक बात बता दो किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है जिसमें कम है, राइट और लेफ्ट मत बोलो, एम के ऊपर 3+ वाला ज्यादा है और 1+ वाला कम है, तो इसका नाम है हाई लो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन संख्या, बोलो ना, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसका नाम है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो ना। जब किसी में से किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन जितना चला जाए उसके चलते जो उसके ऊपर आवेश आता है पैदा होता है उसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, समझ में, या जब किसी पदार्थ के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके चलते उसके ऊपर जितना माइनस आता है उसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के जाने को प्लस आवेशित और इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाने को निगेटिव या ऋण आवेशित, कंसेप्ट समझ में आया, धन आवेशित ऋण आवेशित, समझ में आ रहे हैं, ओके। बच्चों अगर एलिमेंट सेम हो और अगर उसके ऊपर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके नाम के अंत में यानी सफिक्स के तौर पे अंत में, सफिक्स बोलते हैं किसी चीज का नाम के अंत में जो नाम आता है या नाम का जो भाग आता है उसे सफिक्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे सफिक्स जो यूज करेंगे वो अस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आप में से सबको समझ में आ रहा है, और जिसपे हायर चार्ज होगा उसके नाम के अंत में जो सफिक्स आएगा उसे हम एक कहेंगे, am I right or wrong? नहीं आ समझ। अब आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन बताइए बच्चों, कॉपर के ऊपर अगर हम कॉपर 1+ लिख दें और कॉपर 2+ लिख दें तो कौन अस है कौन ईक है, कौन अस है कौन ईक है, बोलो जल्दी, देख के बोलो, देख के ऊपर वाला, that's why this is called cuprous, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कॉपर फस, am I right or wrong? नहीं आ समझ में, क्लियर है बेटे, क्यूप्रिक और क्या बोला, कॉपर सेकंड दिया, अंडा क्लियर है, नहीं क्लियर है, अच्छा तो बताओ एक कमाल की बात है, आप इसलिए सिखाना चाह रहा हूं, ये ऐसे ही इसको याद करना है, ये तुम्हारा फोटो बना देता हूं, याद रख, मरकरी बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, पेरियोडिक टेबल पे लेफ्ट से राइट जाओगे आवर्त सारणी में तो मेटल के बाद आएगा डी ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद तब आएगा पी ब्लॉक, अब मरकरी बिल्कुल किनारे नॉन मेटल की तरफ होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा नॉन मेटल का कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है समझ में आ रहा है, और भी रीजन है, दैट्स व्हाई यहां पे मेटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं है पर दिखाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, और सुनो इधर, इसके ऊपर 1+ इसके ऊपर 1+ और एक काम की बात, चार्ज हमेशा पर एटम निकाला जाता है, क्या बोला मैंने, सुन रहे हो कान से तुम लोग, चार्ज हमेशा किसी भी पदार्थ के ऊपर पर एटम निकालेंगे, बोलो ना, ये याद रखना पहले, और यही इसी मरकरी के ऊपर हमने 2+ लिखा है बेटे, इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं, बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो जब केमिकली बॉन्डेड होगा तो वह नंबर कहां चला जाएगा, नीचे, बोलो ना, और इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, 2+, ये बात आप सबको समझ में आ रही है, ओनली मरकरी के केस में, याद रखिएगा ओनली मरकरी के केस में, आप मार्केट में अमूल दूध खरीदते हो या कोई और दूध खरीदते हो मदर डेयरी, तो क्या करते हो, आधे किलो का पूरा थैली देता है, थैली के साथ दूध आता है, बोलो ना, तुम बोलोगे नहीं मुझे उसमें से दूध निकाल के दो मेरे को, तो थैली रह जाएगी ना, तो दूध किस में रखोगे,
गिर जाएगी ना, दोनों अलग अलग सर्वाइव कर सकता है क्या? दोनों साथ ही मिलेगा, वो दोनों साथ बेचेगा, बोलो ना यार। वैसे ही आप एच जी वन प्लस नहीं निकाल सकते, सॉरी, जब भी एच जी वो टू प्लस के फॉर्म में ही पाया जाता है, मैं राइट और रॉन्ग? अगर आपको एच जी वन प्लस चाहिए तो दो एच जी लेना पड़ेगा, बोल रहा है। और अगर नहीं बोलता ऐसा, अगर एक लीजिएगा तो 20% का छूट मिलेगा, और अगर दो लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, बोलो ना, चालाक है वो। वैसे यहाँ पे बोल रहा है गए सुनो, अगर एक एच जी प्लस चाहिए तब तो दो लेना पड़ेगा, और अगर दो एच जी प्लस चाहिए तब एक एच जी चलेगा। नहीं आया समझ में यार? तो बेटा यहाँ एक एच जी अटैम के ऊपर कितना चार्ज है? ऊपर मैंने अभी क्या कहा था, चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑलवेज पर एटम निकाला जाता है, बोलो पर एटम निकालते हैं, बोलो ना। तो सर यहां पर एटम कहां है सर? तो मैं कब कह रहा हूं कि कहां है, लेकिन पर एटम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो याद रखना डियर, पर एटम अगर आप कंसीडर करते हो और इसमें पर एटम कंसीडर करोगे तो तुम मुझे बताओ किस पर ज्यादा किस पे कम? नीचे ज्यादा है ऊपर ज्यादा है? नीचे, एग्जैक्टली राइट। सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में यार? पर एटम बोला है ना कि कंसीडर करना है, बोलो। तो नीचे एक करोगे ऊपर में दो पे करोगे, तुम ही चालाक हो क्या? बोलो ना। तो एक एटम के ऊपर प्लस कंसीडर करोगे, दैट्स व्हाई बेटे इसके नाम के अंत में अस लगाते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया मरक्यूरस। समझ में आया? या इसी को बोला जाता है मरकरी फास। राइट? मैं ऐसा समझ सीख रहे हो क्या तुम लोग, या देख रहे हो खाली? सीख भी रहे। और इसे क्या बोलोगे बेटा? मर क्यू इका गया। ये तो बता सकते हो आराम से, जब भी मैं बोलूं बेटे मर क्यूरिक लिखो तो योर आंसर शुड बी एजी के ऊपर, और मैं बोलूं कि मर क्यूरस लिखो तो आंसर क्या लिखोगे? खाली एक के ऊपर दो या दो के ऊपर दो प्लस? दो के ऊपर दो प्लस। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया तब मजा आएगा पढ़ने में, तब सवाल सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बूंद बूंद करके एक नॉलेज को इकट्ठा करना है बेटा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? आज और कल मिला करके मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज सीख रहे हैं हम लोग, लगातार क्लास होगी, सारी चीजें आपके नॉलेज में आएंगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैथ फिजिक्स बायोलॉजी, तो बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ये मैं जिम्मा अपने सब्जेक्ट का तो पूरा पूरा ले रहा हूँ, बाकी सर लोग अपने अपने अंदाज में पढ़ाएंगे ना, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, कम टू द पॉइंट, मरक्यूरी को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा? मरकरी सेकेंड। अस और एक का फंडा क्लियर है बच्चों? नहीं ऐसा नहीं है, ये अस है और ये एक है, यही मैं कह रहा था कि अभी आप लोग रुक जाओ, लिखने दो मुझे, ठीक है समझ आया? अच्छा यहां बताओ, इसमें कौन अस है कौन एक है? ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है? तो ऊपर को बोलेंगे प्लम बस, नीचे वाले को प्लम बिग, या ऊपर वाले को बोलेंगे लेड सेकेंड, नीचे वाले को लेड फोर। मतलब समझ आया कि नहीं आया? थैंक यू वेरी मच, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। समझ में आया? वेल डन। मैम कहाँ गई? अरे बंद करो, अरे तो वेट ले पूछो।